अपनी परीक्षा और जिस तरह से संयोजक महोदय बोल रहे थे जो गोल करेगा कि गोलकीपर के कंधों के ऊपर में ज्यादा जिम्मेदारी होगा मैच को बचाने का, पहला शॉट लेने के लिए वाईएससी गोड्डा की ओर से जॉन किस्कू सामने इस बार पर नहीं पाए। अच्छा शॉट यहां पर सुखलाल का, एक में एक वाईएससी गोड्डा। अभी बाकी है यहां पे गुमित गोलकीपर में कोई बदलाव नहीं किया है, दोनों टीम्स ने नियमित गोलकीपर को रखा है टाई ब्रेकर में। और जिस तरह से टाई ब्रेकर में देखा गया है कि दोनों टीम्स में से जिस किसी टीम के भी गोलकीपर एक शॉट वो बाहर निकालते हैं तो उसका थोड़ा सा पलड़ा भारी होता है। लंबा रन यहां पर गुमित का और बॉटम कॉर्नर में बहुत ही बेहतरीन शॉट, चहल कदमी करते रह गए मिस्त्री। मिडफील्ड से खेलते नजर आ रहे थे लाल टुडू, मंझे हुए गोलकीपर पर बहुत ही बेहतरीन कीपिंग, भले सिर्फ जॉन किस्कू की बात नहीं मिस्त्री का भी अच्छा कीपिंग रहा है। और अब लाल आए छोटी रन के साथ यहां पर स्ट्राइक लेने के लिए, अच्छा शॉट यहां पर गोलकीपर के बाएं ओर वाईएससी गोड्डा दो में दो, राजवीर पुरैया हाथ एक में एक। टीम के कैप्टन दूसरे नंबर पे क्योंकि वो चाहेंगे कि यहां शुरुआत अच्छा हो तो अंत भी अच्छा ही होगा। दिनेश संगम दूसरे नंबर पर गए हैं टाई ब्रेकर में स्ट्राइक लेने के लिए। मिस्त्री एक बार फिर से तैयार होते हुए ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है दोनों के पास, कीपर के पास भी स्ट्राइकर के पास भी, और वो अपनी टीम के लिए बड़ा योगदान देने का प्रयास करेंगे। ओहो टीम कैप्टन का शॉट यहां पर हुआ है सिमरन नोडे खराब शॉट लगा लेता शॉट डिसंदार के तह करना, लेकिन उमदा प्रदर्शन गोल जब जस्ट बचाओ जिसके चलते बढ़त बना दिया नोडे मौका का। आइए आइए जैसे भी हो मिस्त्री आपने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन था ना, लाजवाब सेफ है पूरा अनुमान बहुत ही बेहतरीन लगा था। तीसरा शॉट जॉन किस्कू का छक्का दूसरे ओर, यहां पर तीन में तीन दीपक का शॉट यहां पर टारगेट में तो बढ़त है। और आप समझ सकते हैं इस मैच में कितना बेहतरीन पलटवार की स्ट्राइक लगाने का जो शैली था वो पहले ही पढ़ लिया था कि बॉटम कॉर्नर में मेरे राइट साइड में आएंगे और गोलकीपर का ज्यादा झुकाव जो होता है मतलब वो दाहिने तरफ वो ज्यादा होता है। इस बार बिहारी गए हैं ये तीसरे नंबर पर अपनी टीम की ओर से। अब यहाँ से मुझे लगता है बराबरी यहाँ करना चाहेंगे तो कोई भी खिलाड़ी यहाँ का शॉट यहाँ पर गलती नहीं करना होगा, जो बचे हैं वो तो अच्छा लग रहा है। ज्यादा चहल कदमी करने वाले खिलाड़ी उतना सफल नहीं होते ये कई विशेषज्ञों से मैं सुन चुका हूँ। तीन में दो पड़ैया राजेंद्र बाजला है। या फिर दूसरे टीम की बात करें तो कई बार गोलकीपर को मैंने बदलते हुए देखा है मनोज दा, और शायद आपने भी देखा होगा खिलाड़ी इतना बेहतर खेलते हैं मुझे लगता है कीपिंग भी यहां पर अच्छा करेंगे। और एक शॉट मुझे लगता है इनको हर हाल में रखना होगा, ये जो प्रोसेस है टाई ब्रेकर का ये सडन डेथ में ले जाने के लिए बिल्कुल। अगर आमरन ने नियमित गोलकीपर पर जहां ना पाए चुका गाड़ी आड़ी ना तो बदलाव पर जरूरी नहीं करना। और अरे की नोटे टीम रेल कैप्टन ने कमी करा एमरम मनखान का ने आसान बांध दिया का दो सो मुझे मिनट रिको अधेर का देता है ना हमारे मतलब कोई पसे जो स्पेशल नोआ ट्राई बेकर शूटिंग लगे को अधेर का दिया पहल लबोन अशोक और उन्हीं सामना रे टेप कैप्टन दिनेश और इस पे खराब शॉट नोआ की फर्स्ट ट्राई टीम रे बाय थे ना यानी नोई हो पसे जो स्पेशल शूटिंग लगे की या ब्लॉक कर कर जलबो गोल नोडे जरूरी किया। अगर आम वापस से मेंदा मैच है बना हुआ कि तहे ने मेंदा तो अनिल तेतिला नो बॉल गोल में वाह वाह लेकिन मिस्ट्री चीज का वो
और खराब शॉट, अरे इन गोल्डन चांस हो मिला था मनोज दा, वो चांस बहुत खराब यहाँ पर शॉट लगा अनिल का। अगर मुझे लगता है धीरे से भी शॉट लगाते तो कुछ कुछ बिगड़ता, लेकिन जब दिनेश पोस्ट में आए हैं तो अशोक मुर्मू का शॉट बाहर गया है और चैलेंज और बढ़ता हुआ। राजेंद्र ने प्रेशर किया का सच्ची है, ये गोल हुआ तो निर्णायक शॉट। इसके साथ ही वाईएस गोड्डा सेमीफाइनल की पायदान पर और